आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सवाई माधोपुर के सुरवाल निवासी महेंद्र हत्याकांड के दो और आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर पुलिस ने महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस ने विकास उर्फ भरतिया निवासी खेड़ली कला तथा रामभोला मीना निवासी पढ़ाना को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है 29 मई की रात को कुछ लोगों द्वारा आपसी रंजिश को लेकर खेड़ली फाटक के नजदीक सुरवाल निवासी महेंद्र मीणा को गोली मारी गई, जिससे महेंद्र मीणा की मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक महेंद्र मीणा के भाई धर्मेंद्र मीणा द्वारा कोतवाली थाना में चार नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास और भरतिया राम भोला को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभी एक अन्य आरोपी फरार है, जिसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। सवाई माधोपुर से हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नया अपडेट है? देखिए, महेंद्र मीणा हत्याकांड के अंदर टोटल 7 लोगों का रोल था जी। 2 लोगों का हथियार देने में रोल था, उसके अलावा जो बाकी 5 मुलजिम थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसमें जो मुख्य मुलजिम थे विकास और भरतिया और भोला जाट, जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको आज कालूराम मीना और उसके अलावा जो उनकी टीम है उन्होंने अरेस्ट किया है। इस हत्याकांड को लेकर के हमने इस पूरी गैंग के अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व है उनको लेकर के भी हम पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी में ये आया है कि ये युवा आपस में फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, इनमें से कुछ लोग हथियारों का काम करते हैं। इसके अलावा जो जो नए लड़के हैं जो बेरोजगार हैं उनको भी ये अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। छोटी मोटी मारपीट की घटनाएं भी कई इन लोगों ने की हैं। इन सब के खिलाफ मारपीट के, अवैध आर्म्स के 8 से 9 मुकदमे दर्ज हैं। आज हमने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, इनसे पूछताछ करेंगे और जो हत्या में उपयुक्त हथियार है उसको भी हम रिकवर करेंगे। सर, महेंद्र मीणा हत्याकांड में इनकी क्या विशेष भूमिका रही थी? 2 जो लड़के आज हमने अरेस्ट किए हैं, दोनों ने एक एक फायर इस जो मजरूब था उसके ऊपर किए। सर, ये इनके ऊपर पहले से भी मामले वांछित थे? इनके ऊपर पहले से भी वांछित थे और 3 मुकदमे जो अभी रनिंग है उसमें ये वांटेड थे। इसमें जो पहले 3 मुकदमे हैं उसमें कुछ मुलजिम ने पहले अरेस्ट कर लिए थे, बाकी ये 2 मुलजिम और आगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बाबा गैंग और जो छोटी मोटी गैंग्स जिले में चल रही हैं, इन दोनों के अरेस्ट होने से अपराध पर अंकुश लगेगा और जो लोग अपराध में लिप्त हैं उनके लिए भी हम गंभीर इनसे पूछताछ करेंगे और ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे। इस मामले में और भी कोई आरोपी शेष है सर? इसमें 1 आरोपी अभी भी शेष है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। सर, इन दोनों को कहाँ से गिरफ्तार किया था? इन लोगों को आज हमने सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गैंग्स के अंदर लड़के इन्वॉल्व हैं फेसबुक के थ्रू या हथियार देने में, लगभग 70-80 लोगों का नाम आया है। हम सबको वेरीफाई करेंगे और सबको अरेस्ट करेंगे। सवाई माधोपुर के अंदर ये जानकारी में आया है कि कुछ लोग जो हैं नए लड़के उनको इस तरह के अपराधी अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपराध की दुनिया में ढकेल देते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग जो चाहे से छोटा अपराध उन्होंने किया हो या अपराध की दुनिया में जाने वाले हो, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। स्पेशली जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं, हथियारों के साथ में फोटो खींच रहे हैं, उन पर हमारा विशेष फोकस है।